जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों पर आज जनता के बहुमत का फैसला आएगा। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई है। कठुआ के राजकीय डिग्री कॉलेज में उधमपुर संसदीय क्षेत्र के वोटों की गिनती हो रही है। इसके लिए कठुआ शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 20,700 के लगभग ईवीएम मशीन राजकीय डिग्री कॉलेज कठुआ में मौजूद हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री और उधमपुर से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह, साथ ही जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह मतगणना केंद्र पर पहुंच गए हैं। इस दौरान चौधरी लाल सिंह के साथ पूर्व मंत्री मनोहर लाल शर्मा भी मौजूद हैं। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में 2019 के लोकसभा चुनाव में जम्मू संभाग की 2 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। वहीं लद्दाख की सीट पर भाजपा ने कमल खिलाया। वहीं कश्मीर की 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत दर्ज की थी। आज साफ हो जाएगा कि इस बार क्या नतीजे निकलकर सामने आते हैं। क्या जम्मू में 2 सीटों पर फिर से जीत की हैट्रिक लगा पाएगी भाजपा, या कांग्रेस इस बार बदलेगी खेल? कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बार फिर मारेगी बाजी, या फिर पीडीपी या कोई और नई पार्टी को मिलेगा जनता का साथ? आज स्थिति हो जाएगी साफ। कोई स्टाफ अभी कम है तो वहाँ के चार बाहर ना घूमे, अपने अपने रूम में चले जाए। उनके साथ ही काउंटिंग अध्यक्ष की ड्यूटी लगी है। बहुत सा स्टाफ काम है, एमटीएस, काउंटिंग असिस्टेंट, काउंटिंग सुपरवाइजर, माइक्रो सर्वर, किसी भी तरह का स्टाफ। सभी ऑफिशियल्स हेलो, आओ तुझे आओ, प्लीज उस भी चलते चलते हैं अभी तो तुझे आना दर तो कपड़े नहीं दर को प्रीवेंट डैश मार दो। चलो आओ एक बार चलो चलो हेलो आओ तू जाओ। आओ यार अंदर आओ जल्दी, लाओ मिस्त्री।